हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि सीएसआईआर नेट जोन 2024 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की थी। ठीक है, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि मान के चलिए आपके पास 60 डेज है, तो 60 डेज को आप टारगेट मान के आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अभी तक सीएसआईआर नेट के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं। ठीक है, जून की एंड या फिर जुलाई की फर्स्ट में ही मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि 1 मई से हम यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए, 1 मई से हम स्टार्ट कर देंगे, हर रोज़ शाम को 7 बजे लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। आप साथ में ही वहाँ पे अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अपना जो लेक्चर होगा वो क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी, तो देखिए अपना जो लेक्चर होगा वहाँ पे PYQ प्लस थ्योरी लेक्चर है ना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जिस भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है उस टॉपिक को हम साथ के साथ ही कवर करते चलेंगे, है ना। हाँ, साथ में हम उसकी थ्योरी भी करेंगे, और हम जो PYQ करने वाले हैं 2010 टू 2023 तक के हम कंप्लीट करेंगे, 2023 दिसंबर तक के, है ना। और हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 से। यूनिट 3 में जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस है वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन भी आपको हर बार देखने को मिलते हैं, है ना। 2 to 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं पार्ट सी में भी और पार्ट बी में भी, है ना। तो अब की बार जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो भी सबको पता है कि 3 कैटेगरी में आएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि PhD में जाना चाहता है तो उसके लिए भी ये यूजफुल है, क्योंकि अब की बार क्या होगा कि नेट के थ्रू ही वो PhD में एडमिशन ले सकेगा, है ना। क्योंकि जो आपकी 1st कैटेगरी है वो होगी आपकी JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस PhD के लिए एलिजिबल, है ना। और जो 2nd कैटेगरी आपकी होने वाली है तो उसमें आपका होगा असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल, यहाँ पे JRF नहीं होगा, ओके, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और अगर हम बात करें 3rd कैटेगरी की, तो 3rd कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और अब की बार अगर हम देखें कि जो आपका UGC की जो एप्लीकेशन फॉर्म आई है तो उसमें एक और चीज़ ऐड कर रखी है कि जो भी 4 ईयर बैचुलर डिग्री वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। हम मान के चलते हैं कि हो सकता है, पूरे चांस है कि जो आपका CSIR नेट के जो फॉर्म आएंगे उनमें भी ये कंडीशन होने चाहिए, है ना, शायद होगी उसमें भी। और UGC नेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उनमें हमने एक और चीज़ देखी है कि जो आपका एग्ज़ाम है अब की बार वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ठीक है। तो पूरे चांस है कि हमारा भी ऑफलाइन मोड में ही हो, है ना, CSIR नेट का भी। तो देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुंच जाए, है ना। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, हो सकती है हमसे भी प्रॉब्लम, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे कि उसको ठीक करें, ओके, आपको समझाने की कोशिश करें, या फिर अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो मैं भी उसको समझूँ, आप ज़रूर गाइड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक जो टीचर होता है वो एक स्टूडेंट से ही सीखता है कि क्या प्रॉब्लम है, है ना, और उसी को फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, ओके। तो देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।